न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। निजी विद्यालय के शिक्षक का तलवार से केक काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डी थाना क्षेत्र के मधुकुरपुर गांव का है, जहां पर स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षक का जन्मदिन था। बच्चों ने जन्मदिन मनाने के लिए कई केक की व्यवस्था की थी। केक काटने के लिए शिक्षक ने तलवार का इस्तेमाल किया, जिसका बच्चों ने वीडियो बना लिया और उसे अपने स्टेटस पर लगा दिया। वहां से किसी ने डाउनलोड कर वीडियो वायरल कर दिया। झांसी में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर पड़ोस में रहने वाला युवक ले गया। मामला चिरगांव उपरा रोड का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को घर से पड़ोस में रहने वाला युवक ले गया और परिजनों का आरोप है कि जब वो थाने पहुंचे अपनी शिकायत दर्ज करने, तो शिकायत तो दर्ज कर ली, पीड़ित से 10,000 रुपये और अगले दिन 5,000 रुपये ले लिए। उसके बाद लड़की वालों के साथ ओरछा लड़की ढूंढने के लिए गए निखिल, वहां लड़की नहीं मिली। एक दो दिन गुजर जाने के बाद पीड़ित फिर थाने पहुंचा, तो दारोगा का कहना है कि हम तुम्हारी लड़की को जेब में रखकर नहीं घूम रहे, जब मिलना होगा तब मिल जाएगी, और ज्यादा पैसे की मांग भी कर रहे थे। फिलहाल अभी तक पीड़ित की बेटी बरामद नहीं हो पाई है। पंद्रह साल रामू साथ में रामस्वरूप अंपारे वाले रोड पे रस्ते में करी से, तो कुछ नहीं मतलब पैसे ले चुके, मतलब मैं फिर से दरोगा 10,000 एक बार, फिर दोबारा गए 5,000 एक बार, फिर बोले फिर दोबारा गए तो बोले के हाँ बार बार आती हैं कि हम जिम में रखेंगे तुम्हारी लड़की को, तो हम भगे आए थे। फिर तो बिजनौर का एक पूरा मामला, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक पशुओं की हड्डी चुगने वाले युवक के हाथ के चीथड़े उड़ गए। तेज धमाकों के साथ जंगल में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। जंगल में मृत पशुओं की हड्डी चुग रहे युवक के हाथ के चीथड़े उड़ गए। युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। गांव में हड़कंप मचा है। सीओ और थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर मुआयना किया है। थाना शेरकोट के ग्राम मुनवरपुर सैद उर्फ महमूदाबाद के जंगल का एक पूरा मामला। क्षेत्र अधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि दिनांक 12/2/2024 को थाना शेरकोट पर ग्राम इनायतपुर महमदाबाद के जंगल में जंगली जानवरों को डराने भगाने के लिए लगाए गए हस्तनिर्मित पटाखे के फटने से फहीम पुत्र लड्डन निवासी मोहल्ला शेखान थाना शिवहारा के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। क्षेत्रीय लोगों द्वारा घायल को CSC धामपुर भर्ती कराया गया, जहाँ से चिकित्सकों द्वारा फहीम को हायर सेंटर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया। मेरे द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा चमोली के बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर नगर में चल रहे श्री कुबेर देवरा महोत्सव अनुष्ठान पूजन के पांचवें दिन कुबेर चौक पांडुकेश्वर में आस्था और विश्वास का अपार जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर कुबेर चौक में आयोजित कुबेर देवरा गाड़ू गढ़ा देवोत्सव में यक्ष राज भगवान कुबेर के अवतारी पुरुष द्वारा लोहे की पवित्र कटार पर आसन लेकर अंकल नंदा नदी के पवित्र गंगा जल से भरे घड़े और दूध का स्नान किया गया। फरवरी महीने में सर्द मौसम के बीच अलकनंदा नदी के गंगा जल से भरे घड़े से सायकाल में सरा कुबेर देवता मानंदा के पशुपा द्वारा कटार में आसन लेकर गाड़ू लेने की अलौकिक और दिव्य दृश्य को देखने के लिए पांडुकेश्वर के कुबेर चौक में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आयोजक कुबेर देवरा समिति द्वारा जहाँ देवोत्सव में पहुंचे हजारों भक्तों के लिए विशाल प्रसाद भंडारे की व्यवस्था की गई, तो वहीं सायकाल के बाद कुबेर चौक में गढ़वाल के युवा लोक गायक सरो मठाणी के सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें पांडु नगरी की महिला शक्ति भी भजनों के साथ झूमती थिरकती नजर आई। जिला चमोली की ओर से आगामी 15 फरवरी को गौचर में आयोजित होने वाले नंदा गौरा महोत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि नंदा गौरा महोत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए भोजन पानी शौचालय सहित वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। वहीं दूसरी ओर SP चमोली का कहना है कि ट्रैफिक प्लान भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा। कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक जाम रह सकता है। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को सुरक्षित शांतिपूर्ण निर्बोध तरीके से संपन्न करवाने और जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनपद में निवासरत मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, फड़फेरी, रेहड़ी ठेली लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों के शत प्रतिशत सत्यापन कराने और सत्यापन न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा अलग अलग पुलिस टीम बनाकर उत्तरकाशी मुख्य बाजार, जोशियाडा और ज्ञानसू क्षेत्र में भेजी गई। पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाते हुए बिना सत्यापन के रह रहे 80 बाहरी व्यक्तियों के तथा किराएदार के सत्यापन न करवाने पर 5 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। 250 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक अपन युद्धवंशी ने जनपद के सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों के शत प्रतिशत सत्यापन करवाने का अनुरोध किया है। कितने अभी तक हो रखे हैं? देखिए, ये जो वेरिफिकेशन और सत्यापन की कार्रवाई है, ये पुलिस की एक रेगुलर कार्रवाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और चार धाम यात्रा भी जो है सर पे है,
तो इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन का एक हमारा जो अभियान है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बहुत जोरों से चल रहा है 15 दिन का। इसमें हम जितने भी भारी इस राज्यों से जो लोग आए हों। मंदसौर जिले के दलौदा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में भड़के आक्रोश के बाद पुलिस ने तत्काल और कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन के नगर बंद करने और बुलडोजर कार्रवाई करने के अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हालांकि शहर की शांति का माहौल है, जबकि धार्मिक संगठनों ने भी बंद के आह्वान के कारण शाम तक शहर बंद रहा। रविवार की शाम शहर के 5 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी को कार में अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। इसी दौरान किशोरी द्वारा चलाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आरोपी के चुंगल से बचाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद से शहर में तनाव का माहौल बना हुआ था। थाना दलौदा में जो है कल एक नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपराध पंजीकरण कराया गया है, जिसमें 5 आरोपी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाद जो है सामान्य न्यायालय में पेश किया गया। कितने आरोप क्या बताया जा रहा है इसमें? 5 आरोपी है इसमें। तो कितने आरोपियों के मुकाम प्रस्तुत हुए, जानकारी? इस संबंध में जो है प्रशासन के द्वारा जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने के संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर पुलिस ने 1 साल के पुराने वांछित हत्या के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 26 फरवरी 2023 को थाना कनलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक संजीव को उसके पड़ोसी अशोक दुर्गा सोनी और दयाराम ने लोहे की रोड से मारपीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें संजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने अशोक दुर्गा सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दयाराम लगातार नाम बदलकर अलग अलग जगहों पर घूम रहा था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। इस मामले में पुलिस द्वारा दयाराम पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दयाराम को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं DCP सेंट्रल RS गौतम ने बताया कि शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने वाली सेंट्रल जोन की थाना जीराबाद पुलिस और सर्विलांस पुलिस टीम को नगद पुरस्कार 25,000 रुपए, साथ ही पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। तिथि 26/2/2023 को गोलू उर्फ संजीव की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस स्टेशन कर्नलगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना SHO श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन नजीराबाद के द्वारा की जा रही है। इसमें 5 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक अभियुक्त दयाराम की गिरफ्तारी शेष थी, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम भी है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो टीम का गठन किया गया था और पूरी टीम ने मिल करके इसको सीतापुर जनपद से 25,000 रुपए के इनामी को। सितारगंज खनन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने SDM कार्यालय में मांग पत्र सौंपकर बिना रॉयल्टी के उपखनिजों के वाहनों को रोकने की मांग की है। उन्होंने ओवरलोडिंग को रोकने के कार्य रोकने की मांग की। खनन व्यवसायी SDM कार्यालय पहुंचे, यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के 1,000 वाहन स्वामी और 20,000 लोग खनन कारोबार से जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर कारोबारी शोषण के शिकार हो रहे हैं। आरोप लगाया कि बाजपुर कीचड़ से बिना रॉयल्टी के ओलोड वाहन क्षेत्र में RBM की आपूर्ति कर रहे हैं। कहा कि बाजपुर से बरा तक 20 पुलिस चेक पोस्ट है, वन विभाग के चेकिंग है, बिना रॉयल्टी और ओवरलोड वाहन आसानी से स्टोन क्रशरों में आ रहे हैं। आरोप लगाया कि केच के गोला नदी से NH में भराव के लिए निर्माण सामग्री निकाली जा रही है, इसको स्टोन क्रशर में उपखनिजों में मिलाया जा रहा है, इससे सरकारी विकास कार्य और भवन निर्माण किया जा रहा है। भारी ट्रांसपोर्टर कुछ स्टोन क्रशरों के मिले बगैर से जनता और सरकार के साथ लूट हो रही है। में देने आए हैं कि हमारी जो लोकल की जो खनन की मार्केट है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह है कि बाजपुर से जो 2 नंबर का माल शरेआम जो वहाँ से निकाला जाता है वो बाजपुर से ला के हमारी मंडी में बेचा जा रहा है, जो कि हमारी ये लोकल की जो मंडी है, जो हम लोग यहाँ के कारोबारी हैं जो रॉयल्टी पे माल नदी से ख़रीदारी करते हैं, वो हमारा लिया ही नहीं जा रहा। स्टोन क्रशर पर जाते हैं वो कहते नहीं हम माल लेंगे ही नहीं। उसकी वजह यही है कि 2 नंबर का माल जो बाजपुर से आ रहा है उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने आज ये कदम। कल प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भारतीय किसान परिषद के धरनास्थल सेक्टर 6 पर एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें धरनारत किसानों से वार्ता का प्रस्ताव था। इससे तीनों संगठन जय जवान जय किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्षों ने स्वीकार किया और कलेक्ट्रेट सूरजपुर में तीनों किसान संगठनों के अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, गौतम बुद्धगर और तीनों प्राधिकरण के CEO के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग सार्थक रही, किसानों ने अपने पक्ष रखे और अधिकारियों से अपने दोनों की वार्तालाप में निष्कर्ष निकाला गया है कि 18 तक एक हाई लेवल मीटिंग का गठन किया जाएगा, जिसमें किसानों के 10% प्लॉट आबादी का निर्धारण, नई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी का गौतम बुद्धनगर में लागू होना, NTPC दादरी के समापन, रोजगार और मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा। इसके तहत तीनों प्रकरण के किसानों के जो अन्य मुद्दे हैं उनके अपने अपने CEO के साथ 2 दिन के अंदर वार्ता होगी, जहां पर किसान प्राधिकरण स्तर पर लंबित मुद्दों की बात रखेंगे और उनका समाधान कराया जाएगा। तीनों मोर्चे की तरफ से संयुक्त बयान आया है कि जब तक समाधान नहीं हो जाता धरना जारी रहेगा।
केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता से वादा कर रही है, पूरा राम मंदिर बनने के बाद राम भक्तों को सरकार रामलला के दर्शन कराएगी। आगरा के हर बूथ से राम भक्त जाएंगे। अयोध्या करीब 100 बसों से 5000 से ज्यादा राम भक्त 17 को सुबह निकलेंगे। आगरा से राम भक्तों का काफिला इस पूरे आयोजन के केंद्र राज्य मंत्री और आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल खुद संभाल रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर रुकने खाने पीने तक का इंतजाम किया गया है। आगरा के 1700 बूथों को चयनित करते हुए राम भक्त अयोध्या जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के आगरा लोकसभा के विधायक संगठन के अध्यक्ष जी और पदाधिकारी और जिला प्रशासन के लोगों के साथ इस व्यवस्था के लिए बैठे हैं कि लोगों ने इच्छा जाहिर की है देश भर में कि वो अयोध्या में राम मंदिर को देखना चाहते हैं। जनता की भावनाओं को देखते हुए ये तय किया हुआ कि हम हर बूथ से 3 लोग दर्शनार्थ जाएंगे। 1700 कुछ बूथ हैं तो इस प्रकार से लगभग 6000 लोगों को लगभग 100। सीएम योगी ने जनपद को बड़ी सौगात दी। जिले को 1522 करोड़ की सौगात मिली है, जिसमें प्रथम किश्त जारी जिला मुख्यालय पर उच्च कोटि के ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विधायक जयमंगल कनौजिया के प्रयासों को पंख मिला है। सांसद पंकज चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जनता ने भी सीएम और सांसद का आभार जताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता योगी और मोदी सरकार के किए कार्यों पर फैसला करेगी। पंकज पहले से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और साथ ही साथ महाराजगंज की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो बहुप्रत्याशित मांग थी कि महाराजगंज में कोई भी ऑडिटोरियम नहीं था, किसी कार्यक्रम को करने के लिए कहीं ना कहीं हॉल टेंट का व्यवस्था सारे लोगों को देना पड़ता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग की बहुत दिनों से हमारी विधायक की सबकी जनता की मांग थी कि महाराजगंज में एक बढ़िया ऑडिटोरियम बने और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,85,00,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है, उसका जीओ जिले पे आ गया है। कानपुर में दबंग बीजेपी नेता से परेशान होकर अधिवक्ता ने न्याय के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी नेता की शिकायत करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़ित अधिवक्ता विक्रम सिंह सेंगर ने बताया कि महेंद्र तिवारी नाम का एक अपराधी है जो अपने आप को भाजपा का वरिष्ठ नेता बताता है और लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा कर उनसे वसूली करता है। अधिवक्ताओं को भी झूठे मुकदमे की साजिश की प्रयास करता है, उन पर झूठा मुकदमा लगा चुका है। उन्होंने कहा कि महेंद्र तिवारी के ऊपर खुद 4 से 5 मुकदमे हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। ठीक है, एक महेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। उसने मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया है 14 जनवरी 2024 को। उसी मामले में कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र देने आया हूँ। वो मुझको लगातार व्हाट्सएप पे धमका रहा है कि मैं तुमको जान से मरवा दूंगा, मेरे संबंध योगी जी से हैं, योगी जी पूरा मामले की जाँच कर रहे हैं, योगी जी ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है। उसके खिलाफ कुछ 4 से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें किसी भी मुकदमे में अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है, जिनमें लगी है उनमें FIR अपने आप लग गई है। तो सारा ये मिलके जो भी गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें डकैती लूट। शहर के लोगों को जल्द मिलेगी अच्छी सड़कों की सौगात। जिलाधिकारी ने खराब सड़कों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर्षिता माथुर ने नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने के बाद जल्द से जल्द उनको सही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर की प्रमुख 10 सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा, जिसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर जेल गार्डन रोड और जिला अस्पताल को जाने वाली सड़क के अलावा पुलिस लाइन चौराहे से पुलिस लाइन गेट तक जाने वाली सड़क शामिल है। कुल शहर के जो 10 मुख्य सड़कें हैं उसको जिलाधिकारी महोदया ने स्वीकृति प्रदान की है। उसमें जैसे डिग्री कॉलेज चौराहा से जेल रोड और पुलिस लाइन से जो चौराहा से लेकर पुलिस लाइन तक दोनों पटरियों का चौड़ीकरण और महिला अस्पताल रोड लिया गया है और जल्द ही कार्य टेंडर करा के कार्य स्टार्ट करा दिया जाएगा। सर, कितनी लागत से हो रहा है? ये सड़कें लगभग 3 करोड़ की हैं, जिससे शहरवासियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के दुर्गा देवी स्मारक शिक्षा संस्थान कोल्हापुर विक्रम ज्योत के 3 छात्र संदिग्ध प्रस्तुति में बीते 12 फरवरी को लापता हो गए। अभी तक बच्चों का सुराग न मिल पाने से नाराज परिजनों ने विक्रम ज्योत पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि दुर्गा देवी स्मारक शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र प्रिंस, उसकी चचेरी बहनें 16 वर्षीय प्रीति और 17 वर्षीय भूमि संदिग्ध प्रस्तुति में स्कूल से लापता है। लापता छात्र गोंडा जिले के तमामगंज थाना के लुलपुर गाँव के रहने वाले हैं, जो बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के दुर्गा देवी स्मारक शिक्षा संस्थान में पढ़ते थे। बीते 12 फरवरी को बस से स्कूल पढ़ने के लिए घर से आए थे, लेकिन देर शाम तक तीनों बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजन परेशान हो गए।
आगरा में देश भर के 200 से ज्यादा एग्जीबिटर शिरकत करने वाले हैं। आगरा फुटवेयर एक्सपो की 29 मार्च से होगी शुरुआत। 29 से 31 मार्च तक आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024 चलेगा। देश भर के 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शिरकत करेंगे। जूते से संबंधित रॉ मटेरियल और नए नए डिजाइन रहेंगे आकर्षण का केंद्र। सिमगा गांव स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024। विश्वदायक स्मारक ताजमहल को देखने के लिए देश विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में ताज नगरी पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ताज सुरक्षा पुलिस की है। यही वजह है कि पर्यटकों के साथ ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ ACP ताज सुरक्षा अरिब अहमद ने कड़ी कार्रवाई की। पर्यटकों को बेहतर वातावरण स्मारक दीदार के लिए आज से पर्यटक सुरक्षा अभियान को शुरुआत की गई है। ताजनगरी के दशहरा घाट पर ताजमहल के साय में गाइड दुकानदारों को पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शपथ दिलाई गई। ताज सुरक्षा ACP अरिब अहमद और पर्यटन थाना प्रभारी नीलम राणा का सभी दुकानदारों को गाइड्स को संदेश है कि पर्यटक से दुर्व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पर्यटक सुरक्षा अभियान का आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने शुरुआत करी है। यहाँ पर जितने भी येलो जोन में कार्यरत पर्यटन व्यवसाय से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को बुलाकर पर्यटक सुरक्षा की शपथ दिलाई है। इस शपथ में ये है कि पर्यटक सुरक्षा को हमें सर्वोपरि रखना है। हमें पर्यटकों को सही सूचना उपलब्ध करानी है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी उनके साथ ना हो इसका ध्यान रखना है, और पर्यटक हित को सर्वोच्च मानकर काम करना है। ये गतिविधि लगातार एक महीने तक हम चलाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।